स्वागत है आपका मेरी सही अपडेट न्यूज़। मैं कृष्णकांत सिंघारी, अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। हत्या कर शव को तालाब में डुबोने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड की सजा। जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में शहरी एवं ग्रामीण जमीन की रजिस्ट्री के संबंध में हुई बैठक, कलेक्टर सहित जिम्मेदार रहे मौजूद। रोतलैया मोहल्ला क्षेत्र का नाला निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने से क्षेत्रीय रहवासियों की बड़ी मुश्किलें, कही आंदोलन की बात। प्रधान सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी मिथुन लोधी पुत्र कैलाश लोधी आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम बावलिया जिला रायसेन को हत्या कर शव को तालाब के गहरे पानी में डुबोने एवं साख छुपाने के आरोप में आजीवन कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता कालूराम मैना द्वारा की गई थी। आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिशा में पारित होता है। आरोपी मिथुन लोधी हत्या करकर और लाश को तालाब में डुबो देने एवं साक्ष को छुपाने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड। ये कहाँ का मामला है? ये मामला है दिनांक 18/9/2018 को मृतक बहुरन विदिशा अब सामान लेने आया था और यहाँ पे उसके लिए आरोपी मिथुन लोधी मिल गया और दिन भर वो साथ में रहे। वो घर जाते समय ग्राम बावलिया जिला रायसेन जाते समय रास्ते में चिरौड़िया तालाब के पास उसने छुरी मारकर उसकी हत्या करके और उसको सबको सबसे पत्थर बांधकर उस तालाब में डुबो दिया और गांव पहुंच गया और अब उनके परिवार वालों के साथ उसे ढूंढवाने लगा। क्योंकि उसको संदेह हुआ तो पुलिस ने उससे पूछताछ की तो फिर उसने उसका जुर्म स्वीकार किया और फिर उसके साथ में तालाब पर जाकर और उस सबको निकाला गया और पूरी जो बाकी साथ थी वो एकत्रित की गई। कभी घटना है ये है दिनांक 18/9/2018 की है लेकिन इसका 5-6 दिन बाद मालूम चल पाया था और फिर बॉडी को निकाला गया और फिर उसके आरोपी के विरुद्ध मिथुन लोधी के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कितने साल धारा 302 भारतीय दंड संहिता के कितने वर्ष तक केस चला था? ये 2018 से 3 साल हो गए। 3 साल के बाद में निर्णय आया है और हत्या के मामले में धारा 302 में उसे आजीवन कारावास 500 रुपये का दंडित किया गया और हत्या करने की जो साक्ष छुपाई गई उसके आरोप में उसके लिए 7 साल कठोर कारावास 500 रुपये के जुर्माने का दंड किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार की शाम को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक में शहरी एवं ग्रामीण जमीन की रजिस्ट्री के संबंध विचार विमर्श हुए। बैठक के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये जो गाइडलाइन का ये प्रारूप ये नियम जो हमारा ये नियम है इसके नियम 7 के तहत ये गाइडलाइन का प्रारूप निर्धारित है जिसमें ये टोटल 18 कॉलम है। ये जो गाइडलाइन आरसी से निर्मित आरबी से 3 शेड कच्चा कबीलू सहित निर्मित संपत्ति और कृषि भूमि की दरें इसके मानक हमारे प्रति वर्ग सभागार में जो बैठक हुई थी किस संबंध में? ये बैठक हमारी जो जिला मूल्यांकन समिति है जो हमारी गाइडलाइन बनती है जिससे कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जो दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन होता है उसको लेकर के जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक थी और जिसमें सदस्य के रूप में माननीय विधायक सरोज भी यहाँ पर उपस्थित थे, उसी की हमारी बैठक। सर क्या गाइडलाइंस नहीं आई? नहीं, अभी गाइडलाइन नहीं आई। देखिए ये तो क्या जो अभी सुझाव हैं या जो प्रस्ताव वो अभी हम राज्य शासन को भेजेंगे और फिर राज्य शासन के स्तर पर निर्णय लेकर के फिर गाइडलाइन आएगी। ये तो सभागार में आज बैठक हुई थी, किस संबंध में हुई थी और क्या दिशा निर्देश दिए? जिला मूल्यांकन समिति जो रजिस्ट्री होती हैं उनकी दरें तय होती हैं उस संबंध में बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उप जिला मूल्यांकन समिति जो एक एक विकास खंड पे अनुविभाग पर रहती है उनकी अनुशंसाएँ आई थी
उनमें सब पे विचार हुआ है और ज़िले में एक समान रूप रख के इससे उपभोक्ता पे ज़्यादा वजन ना पड़े और पारदर्शी ढंग से ठीक ढंग से मूल्य वृद्धि हो, कम से कम हो, इस संबंध में बातचीत हुई है और सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा मूल्यांकन समितियों के प्रतिवेदन यहाँ रखे गए थे, उनमें कुछ सुधार के लिए भी बोला है ताकि जनता पर अनावश्यक भार न बढ़े। ठीक है। जिला कलेक्ट्रेट की सभागार में नगर पालिका के राजस्व अमला की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा दो टूक शब्दों में कहा गया कि वसूली नहीं होने पर पगार नहीं दी जाएगी। इस बात को लेकर नगर पालिका में कार्यरत लगभग 800 कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हुई। इस मामले को लेकर नगर पालिका सीएम सुधीर सिंह से हुई चर्चा, सुनिए आप। शासन से जो हमें अनुदान मिल रहा है सर, आपकी बैठक में कितना समय लगेगा सर? आप सर 5 मिनट आप करो फिर आप जो अभी से मैं करता रहूँगा, बताइए क्या मुझे सर। मुझे केवल और केवल जो संपत्ति कर की वसूली होगी उसी से रहेंगे, भी वसूली नहीं चले नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। वित्तीय स्थिति आपको मालूम है, नोटल हमारी और अगर मध्य प्रदेश में जितनी भी नगरी निकाय है वित्तीय स्थिति आपको पूरा मालूम है। ये भी वसूली होगी उसी से सैलरी होगी, सामग्री नहीं विकास करती है तो आया तो बनाएगा कौन, एजेंसी कौन बनाएगी? बीआरसी ने बनाना नहीं है सर, उसमें कक्ष है तो सामानिक रहेगा। ठीक है, कक्ष के लिए तो 1-1 लाख रुपये। आज कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर ने द्वारा एक बैठक ली गई, क्या निर्णय हुआ, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, आज कलेक्टर सभा कक्ष में आदरणीय कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय श्री उमाशंकर भार्गव जी ने राजस्व के समस्त अधिकारी कर्मचारियों से ऐसी मीटिंग ली है। मीटिंग का उद्देश्य यह था कि हमारी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। कतिपय कारणों से शासन से जो अनुदान हमें मिलना चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, मिलकर यात्री कर में भी भारी कटौती हो रही है। कुल मिलाकर हमारी स्थिति ये हो गई कि हम कर वसूली जितना अच्छे ढंग से करेंगे तभी हमारा वेतन बढ़ पाएगा। माह फरवरी से हम कर्मचारियों को वेतन नहीं बांट पाएंगे, अगर हम वसूली अच्छी करेंगे तो वेतन बटेगी अन्यथा नहीं बटेगी और इसके वजह से हमारे अनेक कार्य भी प्रभावित होंगे क्योंकि हमारी स्थिति इसलिए काफ़ी दयनीय हो गई है। इसी के निराकरण के लिए और कर वसूली और अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए कलेक्टर महोदय ने आज के इस मीटिंग को बुलाया। तो लगभग सर नगर पालिका में लगभग कितने कर्मचारी होंगे सर? देखिए, नगर पालिका में लगभग सब मिला के 750 से 800 के बीच कर्मचारी हैं जिनका हमें वेतन भत्ता देना पड़ता है, डीजल है, बिजली बिल है और अनुदान बहुत कम मिलता है। हमारी डिमांड शहर से 19 करोड़ का डिमांड है और अभी तक मात्र 3 करोड़ 78 लाख की वसूली हम कर पाए हैं। तो शासन से भी हमें आदेश है कि 75% से ऊपर आपका वसूली होना चाहिए, अभी टोटल 19% ही वसूली किए हैं। तो इसी संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संबंध में आज कलेक्टर महोदय ने बैठक रखा। वार्ड क्रमांक 18 तलैया मोहल्ला क्षेत्र की गली नंबर 6 में एक बड़ा नाला निकाला गया है। नाला में निकासी बंद होने से सड़क पर चारों ओर गंदगी व्याप्त हो रही है। वहीं ठेकेदार द्वारा नाला निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से उक्त क्षेत्र के रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों से क्षेत्रीय रहवासी खासे परेशान हैं। जिम्मेदारों को ध्यान सुर नहीं जाने से लोगों ने आंदोलन की बात कही है। आप 100 गिर जाता तो माहेश्वरी कहाँ रहते हैं? तलैया मोहल्ला वार्ड नंबर 18। ये जो यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं क्या पूरा मामला है नाले का? नाले का काम बंद पड़ा है 15 दिन से, पानी सड़ रहा है और निकासी नहीं हो पा रही है पानी की। नाला अधूरा बना पड़ा है और खुला छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया? ठेकेदार ने, जिसने भी प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने। क्या कारण बताया जा रहा है? कोई कारण नहीं बताया पता। यहाँ पर लगभग कितनी बस्ती होगी? जवाब देने वाला नहीं। बस्ती कितनी होगी यहाँ पर? कम से कम 1000-1200 लोग। अभी जो दिक्कत है बरसात में क्या होगा फिर? बरसात में और रहना मुश्किल हो जाएगा, घरों में पानी घुसेगा। ढाकर जी कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 18 हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी क्या स्थिति है नाले की? नाले की इस समय स्थिति ये है कि यहाँ पे जो है ना कीचड़ हो रही है और पूरी जो है ना मट्टी निकाल के साइडों में कर दी गई और गड्ढे हो गए हैं तो बच्चे गिर रहे हैं और जानवर भी गिर रहे हैं। रोज आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसमें बदबू भी बहुत तेज आ रही है। प्रशासन ने काम भी बंद कर दिया है 8-10 दिन तक।
काम बंद करने की वजह क्या है? वजह कुछ बता नहीं रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। आयुष्मान कार्डधारी लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज सरकार के माध्यम से कराया जाता है। सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। पंचायत के सभागार में जो गैलरी है यहाँ पर किस तरह का कार्य चल रहा है? ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको उस पर एक प्रतिवर्ष में मिल सकता है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2011 में जो एक सूची जनगणना की तैयार की गई थी, उसके आधार पर लगभग हमारे यहाँ 9,41,000 के आसपास लोगों का नाम उसमें शामिल। चलिए बात करेंगे मिश्रा जी, इस कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या कागजात अनिवार्य हैं? इसमें जो है 2-3 चीज़ें लगती हैं। एक समग्र आईडी का नंबर होता है, क्योंकि जितने भी परिवार हमारे हैं वो ऑलरेडी सभी समग्र आईडी पर डले हुए हैं। जब समग्र आईडी से हम उसको सर्च करते हैं तो वो पोर्टल पर उसकी जो 2011 की जानकारी है वो उसमें दिखाता है। तो उनमें जो पात्र लोग हैं उनके हम कार्ड यहाँ पर कौन पात्र है और कौन अपात्र आएगा? जो जनसंख्या थी उस समय लगभग 2011 में जो मुझे जानकारी में है कि लगभग 12,500-13,000 की पॉपुलेशन थी पूरे जिले की, और उनमें से 9,41,000 करीब हमारे पास हैं। एक बहुत बड़ी यानी लगभग 75-80% लोगों के नाम उसमें हैं, तो उनको हम इसमें जिले में भी करीब 52% से ऊपर हमारे कार्ड बन गए हैं, और अब उसमें से जो बचे हुए जो लोग हैं उनको हम और इसमें जोड़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उनको इलाज के दौरान लाभ मिले। कोरवाई तहसील के ग्राम बिशनपुर निवासी ग्रामीण जनसुनवाई के दौरान पहुंची, जहां बताया कि 6 माह पूर्व भारी बरसात में उनके मकान ढह गए थे। उन्हें अभी तक बाढ़ राहत की सुविधा नहीं मिली। प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या निदान की मांग ग्रामीणों ने प्रशासन से की है। कहाँ रहते हैं? कौन सी तहसील में आता जी? तहसील कुरवाई। अच्छा, क्या हुआ? बाढ़ प्रदेश है। कब? 6 महीनों। तो कितने मकान उसमें धराशायी हो गए थे? 35 मकान हो गए। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम साहब, हमें पक्के मकान मिल जाए, जो कि माँ में रह लगे, हम पूरे मकान चले रहे, सामान वामान सब। अभी किस हालात में रह रहे हैं आप? अब भाई दे रहे साहब कपड़ा मकड़ा बना के, जैसे भाई जीवन पानी मन चढ़ा दे। कहाँ के रहने वाले? बिशनपुर। कौन सी तहसील में? करवाई तहसील। कहाँ के लिए आए आप? यहाँ पे हम आवेदन लगाने आए। कहाँ? ये आवास योजना था। क्या हुआ? तो बाढ़ पीड़ित हैं ये सर, हमारे बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया पूरे मकान, सो झुग्गी डार के रह गए। कितने परिवार हैं वहाँ पर? वहाँ पर कम से कम 25-30 के लगभग। ठीक है। नटेरन तहसील के ग्राम डफरियाई निवासी गीता सेन ने अपनी ही बहू के खिलाफ आवेदन दिया है। बताया गया है कि उसकी स्विफ्ट कार बहू ने अपने कब्जे में ले ली है। सास की उम्र लगभग 62 वर्ष के लगभग है। कलेक्टर से न्याय की मांग करने पहुंची। बेटे के नाम होगा ना जिसकी डेथ हो गई, वही तो उसको मिलेगा। मुझे कार किसने खरीदी थी? मेरे खरीदी सर। किसके नाम है कार? मेरे नाम है। तो तुम्हें मिलेगी कार? वो जो हाथ में जांच करा के बनाएंगे। कौन? बहू। बहू मतलब बहू पर आपका झगड़ा है? एक बात बताओ, बहू कहाँ रहती हैं आप? कौन सी तहसील में आती है जी? क्या आज काय के लिए यहाँ पर आप? सर मैं जन सुनवाई में शिकायत की थी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आई थी। क्या कार्रवाई के करने के लिए आई थी? कि मेरे को लड़का की मौत हो गई अपने हाथ, और उसके साले ससुर ने मेरी कार छीन ली सर। कौन सी कार है? स्विफ्ट वाली है। कितने लाख की थी? कौन के पास है वो? वो बहू के पास और उनके साले उनके पास है। नाम कौन की है वो कार? मेरे नाम है। तहसील कार्यालय में किसानों की समस्या समाधान हेतु शिविर लगाया गया था, जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसान और आम जन की समस्याएं सुनी गईं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी समस्या निदान की बात कही है।
तहसील परिसर में किस तरह के एक्टिविटी चल रही है? तहसील आज हमारे द्वारा जो हमारे SDM साहब हैं, कस्टलर साहब हैं, CMO नगर पालिका, जितने भी विभाग हैं, तो जो भी CM हेल्पलाइन पेंडिंग थी या अन्य जो शिकायतें आई हैं, तो उन सभी के संबंध में एक जन शिकायत निवारण शिविर लगाया गया है, जिसमें यह मौके पर ही इनका निराकरण कर रहे हैं। कई लोगों को आधार कार्ड भी बना के दे रहे हैं, किसी को ऋण पुस्तिका, इस तरह के जो छोटे मोटे काम है सारे सारे कर रहे हैं। किसी का यदि प्रसूति सहायता का पैसा लंबित था, जिसमें उसका कोई बैंक अकाउंट नंबर गलत था, तो वो उसको बैंक अकाउंट नंबर सही किया, उसके खाते में पैसा भेज रहे हैं, इस तरह की जो शिकायतें थी इनको ठीक कर रहे हैं। एक शिकायत तो फौती नामांतरण की आई थी, और वो एक सायर गांव है, उसमें एक आदिवासी हैं जिनके पिता की मृत्यु 2018 में हुई थी, उनकी फौती नहीं हुई है, वो सही है। मैंने जो देखा में किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, देखिए आज CM हेल्पलाइन की समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, और जैसा कि नगर पालिका चूँकि बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विभाग है, तो निश्चित रूप से हमारे पास CM हेल्पलाइन की संख्या अन्य विभागों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हमारे पास 325 शिकायतें आई थी, जिसमें 150 का ही हम संतुष्टि से निराकरण कर पाए हैं। तो आज हमने शिविर लगाया था, लगभग 250 आदमियों को फ़ोन करके हम लोगों ने बुलाया था कि आप आइए, आपकी समस्या को हम लोग स्वयं देखें समझें और यथासंभव स्पॉट पर ही निराकरण करें। इस शिविर में अभी तक सुबह से हम लोग लगभग 22 शिकायतें दूर कर चुके हैं, संतुष्टि से कटवा चुके हैं, और शेष जो शिकायतें हैं उसमें कहीं निरीक्षण होना है, कहीं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन वगैरह बनना है, नोटिसें जारी होगी, तो दो दिन से एक सप्ताह का समय लगेगा, तो उसके बाद निराकरण होगा। तो ये जन समस्या निवारण। आज की खबरों को देखते ही पर ब्रह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।